और गाइस क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है कार्तिक और ये है मोटोरोला G45 5G। चार पांच दिन पहले लॉन्च हुआ है। हाल फिलहाल के अंदर प्राइस सेगमेंट है इसका 4128 11,000 रुपए और 8128 13,000 रुपए। तो स्ट्रेट यही में बता देता हूँ, पहली चीज तो 4128 की तरफ जाना अगर मैं इस फोन को रिकमेंड करता हूँ। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी पूरी की पूरी जो भी इस फोन के बारे में है। और रियल कॉम्पिटिशन इसका है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, वो है Realme C65। और ये एक ऐसा फोन है जिसको मैंने बहुत खुलकर रिकमेंड किया, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट फोन है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे 10,000 रुपए से 13,000 रुपए की बात कर रहे होते हैं। जो सामान मिलता है बॉक्स के अंदर उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले T2 केस, एक 15 वाट का चार्जर, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और बहुत सारे सैमसंग के फोन जो है इवन 25,000 तक के फोन भी है वो 15 वाट का चार्जर यूज करते हैं। इट इज सेफ कंपैरेटिवली 60 वाट, 33 वाट। और एमआई के फोन्स के अंदर आपको इसी प्राइस सेगमेंट में 33 वाट के चार्जर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस कुछ बुकलेट्स है। और बॉक्स को कर देते हैं हम बंद, आ जाते हैं मेन चीज पे। सो एज आई सेड कि Realme C65 इज वन ऑफ द बेस्ट फोन जो मैंने देखा। और क्या ये फोन जो है Realme का जो डोमिनेशन रहा है इस सेगमेंट के अंदर हमेशा रहा है, या फिर Realme का रहा है, या फिर Realme का सब सेगमेंट नार्जो का रहा है? सो इसका ये डोमिनेशन जो है मोटोरोला तोड़ पाता है कि नहीं? बिकॉज 30,000 कि प्राइस सेगमेंट के नीचे जो है मैंने अभी हाल फिलहाल में फोन टेस्ट किया है मोटोरोला H50 और वो वन ऑफ द बेस्ट फोन लगा मुझे प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो वही वीगन लेदर का बैक है, हल्का सा यहाँ पे लिफ्ट अप किया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा और लिफ्ट अप है और उसके ऊपर कैमरा है और बहुत छोटा है और लगता नहीं है कि इसके अंदर ये दिख पाएगा। 50+2 MP का सेटअप है और इस प्राइस पॉइंट से ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है भी नहीं कैमरा का और ज्यादा अच्छा मिले। आगे साइड पे आता हूँ यहाँ पे। सो बेजल्स आर थिक, ऊपर भी है, साइड पे भी है और नीचे की साइड पे है जो और ज्यादा बेजल्स दे रखे हैं यहाँ पे। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगेन मैं आप कोई भी शिकायत नहीं करूंगा। ग्रिप इज गुड बिकॉज वीगन लेदर है। एट द सेम टाइम एक चीज की दिक्कत होगी वो भी पहले बता देता हूँ, वो ये कि बिकॉज ये वीगन लेदर है और ये बहुत ज्यादा स्टिकी है, मतलब आपके कोई हाथ जो है ग्रीस टाइप में किसी पाउडर में लगे हुआ है तो डेफिनेटली उसके ऊपर चिपकेगा और उखड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई रिकमेंड कि अगर वीगन लेदर वाला आपके पास फोन है या ये लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, वीडियो के लास्ट में बोल दूं कि आप ले लो, अगर आप ले लो बात मान के तो यूज कवर, ओके, ये खराब हो जाएगा। बाकी जस्ट फील्स गुड, मतलब मन नहीं करता कि इसके ऊपर कवर लगा के यूज करें, बट द होल पॉइंट इज ग्रिप काफी सही है, फोन जो है हाथ से नहीं गिरेगा। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इवन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है 6.67 इंचेस से उससे छोटा फोन है, मतलब फोन में छोटा। पंच होल जो है ऊपर की साइड पे थोड़ा बड़ा है, मैं बेजल के बारे में बता दी, लेकिन एक चीज वो मेरे को डेफिनेटली पसंद आई वो है इसकी स्मूथनेस। इट इज जस्ट वेरी स्मूथ, आई डोंट नो व्हाई इस प्राइस पॉइंट को इतना स्मूथ फोन फील हो सकता है, बट इट इज क्वाइट स्मूथ। द सैम्पलिंग रेट ऑब्वियसली कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं करी है, लेकिन वो 240 हर्ट्ज ही है बाय डिफॉल्ट मान के चलो, लेकिन यहाँ पे 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है। द सैम्पलिंग रेट और रिफ्रेश रेट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट ये HD प्लस के साथ में आता है एज यू कैन सी हियर कि 1600x720 पिक्सल, यानी कि HD है बट बिकॉज वो 1600 हो गया है 1200 की जगह पे, सो HD प्लस बोलते हैं इसको। सो LCD पैनल है ऑब्वियसली, हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली चीजें जो है ज्यादा हाईएस्ट नहीं दिखेगी, आप अगर आप चाहो भी उसको पुश करना। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मैंने चला रखा है और वीडियो जो है ये 4K 60fps HDR में है, न यहाँ पे ये 4K सपोर्ट कर रहा है और न ही यहाँ पे HDR को सपोर्ट कर रहा है। सो एग्जैक्टली हाईएस्ट रेजोल्यूशन में जा सकता हूँ बिकॉज ऑफ HD प्लस डिस्प्ले है, 1080p 60fps पे और LCD पैनल है। बट जो पैनल है इसका मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत शानदार है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्लस जो कॉम्पिटिशन है यहाँ पे Realme C65 उससे कंपेयर करूँ तो बढ़िया भी नहीं है, खराब भी नहीं है, एकदम लेवल अप में मान सकता हूँ, एग्जैक्ट सेम चीज है। और ब्लैक्स और बीच का जो रेशियो है यहाँ पे जो दिखना चाहिए इट इज क्वाइट देयर, मतलब आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा। YouTube पे हो, Netflix पे हो, कोई चीज देख रहे हो तो ऐसा वाइटिश टोन नहीं आएगा उसके अंदर और वो दिखता भी नहीं। और बात करता हूँ इसके हाईएस्ट ब्राइटनेस की, सो अभी इस रूम के अंदर 12 बड़ी बड़ी लाइट्स चल रही है और उसके अंदर मुझे फोन आराम से दिखाई दे रहा है, लेकिन जितने पीक ब्राइटनेस वाले फोन आजकल मैं देख चुका हूं, मुझे ये ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है। बट अगेन जब मैं प्राइस पॉइंट को कंसिडरेशन में लाऊ तो धूप के अंदर ये ब्राइटनेस परेशान भी नहीं करती, अप्रोक्सीमेटली 450-500 निट्स तक की ब्राइटनेस है इस फोन के अंदर, सो देयर इज नो इशू इन दैट। सो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इट इज लाइक लाइट वेट, हाथ में आराम से पकड़ने में आ जाता है, एक हाथ से आराम से यूज कर सकता हूं मैं फोन को, डिस्प्ले अच्छा है और डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी अच्छा है। साथ साथ में जो भी इसके अंदर कमियां थी, फॉर एग्जाम्पल 4K तक मैं पुश नहीं कर सकता हूं, उसके अलावा ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी और बेहतर होती तो थोड़ा मजा आता है इसके अंदर। नीचे की साइड में बेजल है वो भी मैंने आपको कमी बता दी। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और इस प्राइस पॉइंट ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है हमको, यहाँ पे स्कोर्स देखना बहुत पसंद है। तो पहले स्कोर्स की मैं एक बार बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3D मार्क टेस्ट निकाला हुआ है, वाइल्ड लाइफ टेस्ट, जो कि है 1264। इस प्राइस पॉइंट पे कंपटीशन जो आ रहा है मैं बोलूंगा कि लगभग लगभग सेम है,
Realme C65 का स्कोर कितना आया था, यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिख जाएगा, तो कंपैरिजन आप दोनों फोन्स का परफॉर्मेंस वाइज स्कोर में आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे Geekbench 6 का स्कोर जो है आई लव इट, जो स्कोर निकल के आया है 1000 के आसपास में सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में 2000 से ऊपर लेके गया है, और ये स्कोर मैं बोलूं 20000 के फोन्स में भी कभी कभी देखने के लिए नहीं मिल पाता है। क्वाइट पावरफुल प्रोसेसर, इवन जो इसका GIPS आया है वो है नियर 2 लाख। अब ये स्कोर भी आप 20000-22000 के फोन से कंपेयर कर सकते हो। एट द सेम टाइम थॉटल स्कोर जो है वो 93% कर रहा है, मतलब फोन ज्यादा हीटअप नहीं होता, और ये रियल लाइफ सिचुएशन में भी देखा गया है। और लास्ट जो हमारा सबसे फेवरेट स्कोर है, आप सबका फेवरेट स्कोर है, AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 3,63,000, विच इज ऑल्सो गुड। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से शिकायत नहीं करूंगा। डेली लाइफ में काम कर रहे हो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंगल एप्लीकेशन यूज करो, नो इशू, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जैसे ही आप मल्टीटास्किंग करने जाओगे और एक साथ में बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन करोगे, एक चीज जो मुझे फील हुई वो ये कि ये लैग करना स्टार्ट कर जाता है, मतलब हल्का सा जिटर्स होने इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन किए जा रहा हूँ, तो एज यू कैन सी हियर अभी सही से काम कर रहा है, एंड देन और कोई काम करने लग जाऊंगा, कुछ मूव करूंगा तो हल्का फुल्का वहां पे लैग दिखाई देता है। तो यस इट इज देयर, बताना था मेरे को, बता दिया आपको। लेकिन नॉर्मल कोई आप काम कर रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो सेलेक्ट कर रहे हो, वहां पे आपको बिल्कुल भी फोन परेशान नहीं करेगा। सो स्पीकर की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में बता देता हूं एक बार आपको यहाँ पे। तो यस बेस जो है बहुत ही बेसिक सा है, नॉर्मल है, पर आवाज जो है वो काफी लाउड है, आराम से सुनाई देती है। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं, ऊपर की साइड पे भी है और नीचे की साइड पे भी स्पीकर्स है, 30-70 का रेशियो है, इट इज गुड, एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी होती है, आई वुड से कि मजा आ जाता। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यस ऑन द पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली चीज वहां पर भी नहीं है। बात कर लेते हैं कैमरास की, पीछे जो है 50+2 की बात कर लेते हैं, आगे 16 मेगापिक्सल की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे वीडियो की बात कर लेता हूँ, हाईएस्ट शूट पीछे के कैमरे से कर सकता हूँ वो है 1080p 30fps, जो कि थोड़ा सा लो है, 60fps तो एटलीस्ट होना चाहिए था। सेम गोज फॉर द फ्रंट कैमरा ऑल्सो। फोटोज की बात कर लेता हूं यहाँ पे एक्जैक्टली मैं, ये है इसका एक 50 मेगापिक्सल से खींचा हुआ नॉर्मल फोटो, और फोटोज अच्छे निकल के आते हैं, बट उसमें कैच है वो ये कि जैस शटर स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो है, इसकी प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है फोन को। अगर कोई सब्जेक्ट आप किसी इंसान की फोटो ले रहे हो और वो अगर हिल गया थोड़ा सा, फोटो जो है वो थोड़ी सी सेकी आ जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही फोटो में एक क्लिक किया है और मुझे चीज नजर आई यहाँ पे कि फोटो थोड़ा सा हिल रहा है, क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए 50 मेगापिक्सल के हिसाब से। फिर एक दूसरा निकाला जब हमें समझ में आया कि यस इट इज देयर, एट द सेम टाइम ये एक पोर्ट्रेट फोटो है, सो क्वालिटी इज देयर। मुझे साइड पे पोर्ट्रेट की बात करूं अगर मैं, सो अगर आप उसको हाईएस्ट सेटिंग्स पे लेके जाओगे, ज्यादा ब्लर करने की कोशिश करोगे उसको, तो ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ से पेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाल जा रहे ऊपर, वो डिटेक्ट नहीं कर पाया उस सेक्शन को, और वो उसको भी उसने साथ साथ में ब्लर कर दिया। ओवरऑल प्रोसेसर समझ रहा है चीजों को कि कितना ब्लर कहाँ पे करना है और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कहाँ पे। फॉर एग्जांपल नीचे की बात करो, सो इसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि जो पीछे वाली दीवार है ये बैकग्राउंड का हिस्सा है, फोरग्राउंड का हिस्सा नहीं है, और बहुत सारे फोन ये नहीं कर पाते इस प्राइस पॉइंट पे, चीज बता देता हूँ। तो उस हिसाब से पोर्ट्रेट का जो सॉफ्टवेयर इट इज गुड। क्वालिटी की बात करूं, यस थोड़ा सा आपको हाथ एकदम ऐसे रख के करना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देन एक और फोटो हमने निकाला यहाँ पे सेम रिजल्ट्स, और एक चीज वहां से हमको नोटिस में आई वो ये कि लुक एट इट, थोड़ा सा नीचे के एंगल से निकाला वो फोटो है और ये थोड़ा सा ऊपर के एंगल से निकाला वो फोटो है, तो एक्सपोजर जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो आपको बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। सो हाथ को भी ऐसे करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम टैप 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 करके फिर फोटो जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा फोटो निकाल पाएगा ये। देन बात करूं मैं फ्रंट कैमरा की यहाँ पे, सो इट इज देयर। फोटो की बात करूं 16 मेगापिक्सल अच्छे से काम करता है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं है जितना 16 मेगापिक्सल होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट 16 मेगापिक्सल लगता नहीं है, बिनिंग से इसको कम किया हुआ एक्जैक्टली, सो नॉट दैट क्लियर, बट है 16 मेगापिक्सल का, और पोर्ट्रेट से खींचा हुआ फोटो, सो इट इज देयर, पोर्ट्रेट अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहा है। और नॉर्मल फोटो की बात करूं, सो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉट दैट क्लियर, पर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक। ओवरऑल कैमरा इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो चीजें हैं इसके अंदर स्टिल दे आर गुड। तो क्या फोन लेने लायक है या फिर नहीं, लाइट वेट फोन, लाइट वेट, लाइट सॉफ्टवेयर, मोटोरोला फोन, और आजकल अच्छा काम भी कर रहे हैं, और सिक्योरिटी अपडेट्स भी है इसके अंदर, सो क्या लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर कॉम्पिटिशन रियलमी C65 की तरफ जाना चाहिए। सो मोटा मोटा ये है कि आपको क्लीन नीट सॉफ्टवेयर चाहिए, डेफिनेटली इस तरफ जा सकते हो, और अगर आपको ओवरऑल फीचर ज्यादा चाहिए, थोड़ा बड़ा फोन चाहिए, तो आप रियलमी C65 की तरफ भी जा सकते हो, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है जो कि जस्ट ऑन पॉइंट काम करता है, जस्ट टच करना है और ओपन हो जाएगा, टच करना है और ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है, और इतना टाइम रियलमी वाले फोन में भी ले रहा था, इवन दूसरे जो फोन है इस प्राइस पॉइंट पे सब पे लेता ही है, वहां पे दिक्कत वाली चीज
नहीं है। इफ यू आर मल्टीमीडिया यूजर डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हो, डिस्प्ले इज क्वाइट स्मूथ। इफ यू आर गेमर फोन को कंसिडर कर सकते हो। इफ यू आर कैमरा गाय जिसको 10-11 हजार तक फोन चाहिए, आई विल नॉट रिकमेंड दिस फोन फॉर द कैमराज ओनली, बिकॉज आप रियलमी की तरफ चले जाओ वहां पे थोड़े कैमराज बेटर मिलेंगे, ओवरऑल रिफाइंड कैमराज है वहां पे, परफॉर्मेंस डन, डिस्प्ले डन, स्पीकर डन, सब मामले में डन है। कैमरा को छोड़ के अगर आपके लिए कैमरा मैटर करता है ज्यादा, कैमरा इसके भी बुरे नहीं है पर ज्यादा मैटर करता है, तो एक बार रियलमी C65 की तरफ आप देख सकते हो। अदरवाइज इट फोन इज लाइक प्रिटी गुड ओवरऑल पैकेज है, यहाँ पर वहां पर कोई दिक्कत नहीं आई है, बट नॉट द बेस्ट फोन इन द सेगमेंट फॉर मी। सो यस गाइस इतना ही था इस वीडियो में, आई होप ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखोगे और अच्छा बाइक डिसीजन अपने लिए ले पाओगे। उस मामले में मैंने कहीं आपकी हेल्प करने की कोशिश की हो, और अभी तक आप चैनल में पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब अभी के अभी। अभी इतना ही, गुड बाय।